दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के भाजपा विधायकों ने गुरुवार को दोपहर राष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे टकराव से दिल्ली में उत्पन्न हुए हालात की जानकारी भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को दी। फर्जी डिग्री के मामले में फंसे जितेंद्र सिंह तोमर और दिल्ली कैंट के विधायक सुरेंद्र सिंह का मामला, दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति और नगर निगमों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा भी राष्ट्रपति के सामने उठाया। इसके अलावा भाजपा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा जारी किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग बयान पर भी दिल्ली सरकार से श्वेत पत्र की मांग की। राष्ट्रपति जी से एक संतोषजनक मीटिंग हुई है और विस्तार से हमने उनको सारे मामले की जानकारी दी है कि दिल्ली में किस तरह से एक डेडलॉक हो गया है और जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। जो आज मनीष सिसोदिया जी ने बयान दिया है कि दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चलती थी, उसके बारे में भी अवगत कराते हुए ये मांग की है कि इस पर श्वेत पत्र जो है वो सरकार जारी करे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों को लेकर चल रहे विवाद पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ट्रांसफर पोस्टिंग को एक उद्योग का रूप दे दिया था। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने सभी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की हैं। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं योग्य अधिकारियों के ईमानदारी से, जिसकी जहां योग्यता है वहां की है हमने। इससे बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। पहले करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमाए जाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग से, पूरी इंडस्ट्री चलती है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसको हमने रोका है, इसलिए बहुत लोगों को दर्द हो रहा है इसमें। अगर आपको कहीं किसी मंत्री से कोई दिक्कत है, कहीं किसी मंत्री से ट्रस्ट डेफिसिट है, आप बताइए, आप खुल के बात करिए, चीफ मिनिस्टर के साथ बात करिए, मेरे साथ बात करिए। मैं पूरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते मैं पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूं कि हम उन स्थितियों को ठीक करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार द्वारा हाल में ही की गई सभी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं, क्योंकि ये नियुक्तियां उनकी अनुमति से नहीं की गई थीं। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों के तबादलों और तैनाती का आदेश देने का अधिकार केवल उन्हीं के पास है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद पैदा हो गया है।